सेक्शन 194 IC, सेक्शन 194 IC किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स होते हैं। सपोज किसी इंडिविजुअल या फिर किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी पर्सन के पास एक लैंड होती है, लेकिन उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, या फिर वो उस पर बिल्डिंग या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, तो ये बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि बिल्डर आप मेरे इस लैंड, इस बिल्डिंग को यूज़ करके इसको डेवलप करके इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करो, डेवलप करो। तो बिल्डर इस बात पर अग्रीमेंट होता है कि ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे डेवलपमेंट करूँगा उसमें से पर्टिकुलर पोर्शन या फिर कुछ एरिया या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई जो भी रूम या फिर कुछ भी आपको कंसिडरेशन के रूप में दूंगा, और उसके साथ साथ कुछ कैश भी दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आप काइंड में रिसीव करते हैं, यानी कि अगर आपको वो स्पेस दे रहा है या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्लेस में डेवलप करके आपको देता है, तो उसके ऊपर TDS का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपको कैश में कोई अमाउंट पे करता है, सपोज 50 लाख 60, जो जितना भी अमाउंट वो पे करता है इन कैश, तो वो कैश का अमाउंट इसके ऊपर TDS का प्रोविजन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ गया है कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट इस अग्रीमेंट, जो भी ओनर है लैंड का और जो भी बिल्डर है, इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसको जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे, यही है कि पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, इनके बीच में एक स्पेसिफाइड अग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये बिल्डर इसको क्या करने वाला है, पेमेंट करने वाला है, तो जो भी पेमेंट होगा यानी कि कैश में जो भी पेमेंट होगा कंसिडरेशन में होगा, उसके ऊपर कोई भी TDS का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो उसके ऊपर TDS का प्रोविजन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो अमाउंट कैश में पे किया जा रहा है, ऐसे कैश के अमाउंट पे सेक्शन 194 IC क्या होने वाला है, अप्लीकेबल होने वाला है, दैट इज़ पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। तो इस केस में, इस केस में पेयर कौन होने वाला है? पेयर विल बी द एनी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द रेसिडेंट एनी सम बाई वे ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब कैश में, नॉट बींग द कंसिडरेशन इन काइंड। अगर आप काइंड में करते हो तो उसके ऊपर IC क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके ऊपर TDS क्या होने वाला है, अप्लीकेबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पेयर कौन होने वाला है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेसिडेंट एनी सम बाई वे ऑफ द कंसिडरेशन एंड नॉट बींग इन काइंड। काइंड में होगा तो उसके ऊपर TDS नहीं होगा, कैश में होगा तो उसके ऊपर TDS अप्लीकेबल होने वाला है एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन जैसे कि मैं हर सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 14th of May 2020 से लेकर 31st of March 2021 तक जो के बीच में अगर कोई भी ऐसा पेमेंट आपको रिसीव होता है, तो उसके ऊपर TDS एट द रेट ऑफ 10% ना लगकर TDS एट द रेट ऑफ 7.5 लगने वाला है, ठीक है, सिर्फ ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और पेई कौन हो सकता है? एनी रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। और टाइम ऑफ डिडक्शंस क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो क्रक्स क्या है इसका, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास लैंड होती है लेकिन उसे डेवलप करने के लिए पास उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बिल्डर के साथ जाकर अग्रीमेंट करता है कि भाई आप मेरी लैंड पर आकर डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो। तो बिल्डर इस बात पर अग्री होता है कि मैं कुछ अमाउंट आपको कैश में पे कर दूंगा, और कोई इन काइंड में जो भी वहाँ पे स्पेस बनेगी उसमें आप एक रूम या फिर एक एरिया पर्टिकुलर पोर्शन आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन आपको इन काइंड मिलेगा, दैट इज़ अगर कोई स्पेस मिल रही है या फिर कोई जगह आपको मिल रही है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी लैंड में जो भी डेवलप हो रहा है, तो उसके ऊपर TDS का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर बिल्डर ने आपको किसी भी प्रकार का अमाउंट इन कैश दिया है, तो उसके ऊपर TDS सेक्शन 194 IC क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज़ पेमेंट अंडर द स्पेसिफाइड अग्रीमेंट। इसमें पेयर कौन होने वाला है? एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द रेसिडेंट एनी सम बाई वे ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपने कैश में कोई अमाउंट पे किया तो उसके ऊपर TDS अप्लीकेबल होगा, लेकिन नॉट बींग कंसिडरेशन इन काइंड, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और पेई कौन होने वाला है? एनी रेसिडेंट, ठीक है। रेट ऑफ TDS विल बी द 10%, लेकिन 14th of May 2020 से लेकर 31st of March 2021 तक के अगर इस बीच में आपने किसी भी प्रकार का पेमेंट रिसीव किया है या फिर पेमेंट दिया है, तो उसके ऊपर TDS एट द रेट ऑफ 10% ना लगते हुए TDS विल बी एट द रेट ऑफ 7.5%। एंड वॉट विल बी द टाइम ऑफ डिडक्शंस? टाइम ऑफ डिडक्शंस विल बी द टाइम ऑफ पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है।